तो फाइनली दोस्तों ओपन हाइमर नाम की जो मूवी है ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आने वाली है जी हाँ दोस्तों जियो सिनेमा द्वारा इसके राइट खरीद लिए हैं और वहाँ पर अब तक रिलीज भी हो चुकी होगी जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो बाकी दोस्तों सारे कुछ जानकारी इस एक मूवी के ऊपर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ या इसके ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जब आई उसके ऊपर मैं आपके लिए दोबारा ये वीडियो लेकर आया हूँ तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेलाइकन दबा कर इसे आल पर सेट कर लीजिएगा तो दोस्तों अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं ओपेन एक 2023 महाकाव्य जीवनी थ्रिलर फिल्म है एक क्रिस्टोफर नोलन द्वारा लिखित निर्देशित और सहनिर्मित आठ यह अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन पर आधारित है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहले परमाणु हथियार विकसित करने में मदद की थी काइबर्ड और मार्टिन जे शेरविन की 2005 की जीवनी अमेरिकन प्रोमेथियस पर आधारित यह फ़िल्म ओपेनहाइमर की पढ़ाई लॉस अलामोस प्रयोगशाला में उनके निर्देशन और उन्नीस की सुरक्षा सुनवाई के कारण उनके पतन का सिलियन मर्फी ओपेनहाइमर की भूमिका में हैं। उनके साथ रॉबर्ट डाउनी जूनियर संयुक्त राज्य परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य लुइस स्ट्रॉस की भूमिका में हैं सहायक कलाकारों की टोली में एमिली ब्लंट मैट डेमन फ्लोरेंस पुग, जोश हार्टनेट केसी एफ्लेक रामी मालेक और केनिथ ब्रानक शामिल हैं ओपेनहाइमर की घोषणा सितंबर 2021 में की गई थी यह नोलन की पहली फिल्म है जिसे मेमेंटो 2000 के बाद वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित नहीं किया गया है स्टूडियो के एक साथ नाटकीय और HBO मैक्स रिलीज शेड्यूल के संबंध में उनके संघर्ष के कारण नौ मर्फी अगले महीने साइन करने वाले पहले कलाकार थे बाकी नवंबर 2021 और अप्रैल 2022 के बीच शामिल हुए प्री प्रोडक्शन जनवरी 2022 तक शुरू हुआ और फ़िल्मांकन फरवरी से मई तक हुआ सिनेमेटोग्राफर होटे वैन होर्टेमा ने आईमैक्स पैंसठ मिमी और पैंसठ मिमी बड़े प्रारूप वाली फिल्म के संयोजन का उपयोग किया जिसमें पहली बार आईमैक्स ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म फोटोग्राफी के दृश्य शामिल थे अपनी पिछली कई फिल्मों की तरह नोलन ने न्यूनतम संयोजन के साथ व्यापक व्यावहारिक प्रभावों का उपयोग किया ओपेनहायमर का प्रीमियर 11 जुलाई 2023 को पेरिस के ले रेक्स में हुआ और 10 दिन बाद यूनिवर्सल द्वारा इसे अमेरिका और यूके में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया वार्नर ब्रदर्स की बारबी के साथ इसकी संवर्ती रिलीज बारबेनहाइमर घटना की उत्प्रेरक थी जिसने दर्शकों को दोनों फिल्मों को डबल फीचर के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित किया ओपेनहाइमर ने दुनिया भर में नौ मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की जो 2023 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई सबसे ज्यादा कमाई करने वाली द्वितीय युद्ध स इस संबंधित फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जीवनी फिल्म और दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली आर रेटेड फिल्म बन गई अपनी कई प्रशंसाओं के बीच ओपेनहाइमर ने सात अकादमी पुरस्कार जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मर्फी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और डाउनी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता शामिल हैं फिल्म ने पांच गोल्डन ग्लोब पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा सहित और सात ब्रिटिश अकादमी फ़िल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित जीते और इसे नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू और अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट द्वारा 2023 की शीर्ष दस फिल्मों में से एक नामित किया गया कथानक 1926 में 22 वर्षीय डॉक्टरेट छात्र जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कैवेंडिश प्रयोगशाला में पैट्रिक ब्लैकेट के तहत प्रायोगिक क्वांटम भौतिकी का अध्ययन करते समय चिंता और घर की याद से जूझ रहे थे ब्लैकेट के रवैये से परेशान होकर ओपेनहाइमर ने उसके लिए साइनाइड जहर वाला एक सेब छोड़ दिया लेकिन बाद में उसे पुनः प्राप्त कर लिया विजिटिंग वैज्ञानिक नील्स बोहर ने ओपेनहाइमर को इसके बजाय गॉटिंगेन विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक भौतिकी का अध्ययन करने की सलाह दी ओपेनहाइमर ने अपनी पीएचडी पूरी की और वैज्ञानिक इसेडोर इसाक रबी से मुलाकात की बाद में वे स्विट्ज़रलैंड में सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी वर्नर हाइजेनबर्ग से मिले अमेरिका में क्वांटम भौतिकी अनुसंधान का विस्तार करने की इच्छा रखते हुए ओपेनहायमर ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाना शुरू किया वह एक जीव विज्ञानी और पूर्व कम्युनिस्ट कैथरीन किट्टी पुएनिंग से शादी करता है और एक परेशान कम्युनिस्ट मनोचिकित्सक जीन टेटलॉक के साथ उसका रुक रुक कर संबंध रहे। ता है जो बाद में आत्महत्या करके मर जाता है जब 1938 में जर्मनों द्वारा परमाणु को विभाजित करने में सफलता प्राप्त करने के बाद परमाणु विखंडन की खोज की गई तो ओपेनहायमर को एहसास हुआ कि इसे हथियार बनाया जा सकता है 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मैनहट्टन प्रोजेक्ट के निदेशक अमेरिकी सेना के कर्नल लिसली ग्रोस परमाणु बम विकसित करने के लिए ओपेनहाइमर को लॉस एलामोस प्रयोगशाला के निदेशक के रूप में भर्ती करते हैं ओपेनहायमर को डर है कि हाइजेनबर्ग के नेतृत्व में जर्मन परमाणु अनुसंधान कार्यक्रम नाजियों के लिए विखंडन बम पैदा कर सकता है ओपेनहाइमर रबी स बेथे और एडवर्ड टेलर की एक टीम को इकट्ठा करता है और शिकागो विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों एनरिको फर्मी जिलार्ड और डेविड एल हिल के साथ सहयोग करता है टेलर की गणना से पता चलता है कि एक परमाणु विस्फोट एक विनाशकारी श्रृंखला प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकता है जो वायुमंडल को प्रज्वलित करेगा और दुनिया को नष्ट कर देगा अल्बर्ट आइंस्टीन से परामर्श करने के बाद ओपेनहाइमर ने निष्कर्ष निकाला कि संभावनाएं स्वीकार्य रूप से कम हैं हाइड्रोजन बम बनाने का प्रस्ताव खारिज होने के बाद एलर ने परियोजना छोड़ने का प्रयास किया लेकिन ओपेनहाइमर ने उसे रुकने के लिए मना लिया 1945 में जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद कुछ वैज्ञानिकों ने बम की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया ओपेनहाइमर का मानना है कि इससे चल रहे प्रशांत युद्ध का अंत हो जाएगा और मित्र देशों की जान बच जाएगी ट्रिनिटी परीक्षण सफल रहा और राष्ट्रपति हैरी एस. ट्रूमैन ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी का आदेश दिया जिसके परिणामस्वरूप जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा हालांकि सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की गई ओपेनहाइमर अपराध बोध से ग्रस्त है और विनाश और सामूहिक मौतों से त्रस्त है ओपेनहाइमर द्वारा ट्रूमैन के प्रति अपना अपराध व्यक्त करने के बाद राष्ट्रपति ने उसे डाटा और आगे के परमाणु विकास को रोकने की उसकी याचिका को खारिज कर दिया संयुक्त राज्य परमाणु ऊर्जा आयोग एसी के सलाहकार के रूप में ओपेनहाइमर का रुख विवाद उत्पन्न करता है जबकि टेलर के हाइड्रोजन बम को बढ़ते शीत युद्ध के बीच नए सिरे से दिलचस्पी मिलती है एसी के अध्यक्ष लुईस स्ट्रॉस आइसोटोप के निर्यात के बारे में स्ट्रॉस की चिंताओं को सार्वजनिक रूप से खारिज करने और सोवियत संघ द्वारा सफलतापूर्वक अपना बम विस्फोट करने के बाद सोवियत संघ के साथ बातचीत की सिफारिश करने के लिए ओपेनहाइमर से नाराज़ हैं स्ट्रॉस का यह भी मानना है कि ओपेनहाइमर ने उन्नीस में आइंस्टीन के साथ हुई बातचीत के दौरान उन्हें बदनाम किया था उन्नीस में ओपेनहायमर के राजनीतिक प्रभाव को ख़त्म करने की इच्छा से स्ट्रॉस ने गुप्त रूप से ओपेनहाइमर की क्यों मंजूरी के संबंध में एक कार्मिक सुरक्षा बोर्ड के समक्ष एक निजी सुरक्षा सुनवाई आयोजित की जिसके दौरान अमेरिका के प्रति उनकी वफ़ादारी पर सवाल उठाया गया हालांकि सुनवाई दिखावा ट्रायल है ओपेनहायमर के पिछले कम्युनिस्ट संबंधों का शोषण किया गया है और उनके सहयोगियों की गवाही को उनके खिलाफ तोड़ मरोड़कर पेश किया गया है किट्टी द्वारा अपने और अपने पति के बचाव में भावुक गवाही देने के बाद बोर्ड को व ओपेनहायमर पर विश्वासघात का संदेह नहीं है लेकिन उसकी मंजूरी रद्द कर दी गई जिससे उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा और अमेरिकी परमाणु नीति पर उनका प्रभाव सीमित हो गया उन्नीस में वाणिज्य सचिव के लिए स्ट्रॉस की सीनेट की पुष्टि की सुनवाई के दौरान हिल ने ओपेनहाइमर के पतन के लिए स्ट्रॉस के व्यक्तिगत उद्देश्यों के बारे में गवाही दी स्ट्रॉस के नामांकन को खारिज कर दिया गया मैसाचुसेट्स के जूनियर सीनेटर जॉन एफ कैनेडी ने निर्णायक वोट डाला उन्नीस में राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने राजनीतिक पुनर्वास के संकेत के रूप में ओपेनहाइमर को एनरिको फर्मी पुरस्कार प्रदान किया एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि ओपेनहाइमर और आइंस्टीन की उन्नीस की बातचीत में स्ट्रॉस का कभी उल्लेख नहीं किया गया था इसके बजाय दोनों ने ओपेनहायमर की विरासत पर चर्चा की और ओपेनहाइमर ने अपना डर व्यक्त किया कि उन्होंने वास्तव में एक श्रृंखला प्रतिक्रिया परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू कर दी है जो एक दिन दुनिया को नष्ट कर देगी जैसे ही आइंस्टीन चले गए ओपेनहाइमर ने परमाणु आग से भस्म हो चुकी दुनिया की कल्पना की और निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं ढालना 2017 में सड़सठवें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में द पार्टी के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिनेता सिलियन मर्फी लॉस एलामोस नेशनल लैबोरेटरी के पहले निदेशक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का पोर्ट्रेट सिलियन मर्फी ने जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की भूमिका निभाई है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के रूप में सिलियन मर्फी एक सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और लॉस एलामोस प्रयोगशाला के निदेशक दस कैथरीन किट्टी ओपेनहायमर के रूप में एमिली ब्लंट रॉबर्ट ओपेनहाइमर की पत्नी और कम्युनिस्ट पार्टी यूएसए की पूर्व सदस्य ग्यारह मैट डेमन जनरल लेस्ली ग्रोस के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स यूसेस अधिकारी और मैनहट्टन प्रोजेक्ट के निदेशक बारह रॉबर्ट डाउनी जूनियर रियर एडमिरल लुईस स्ट्रॉस के रूप में एक सेवानिवृत्त नौसेना रिजर्व अधिकारी और अमेरिकी परमाणु ऊर्जा आयोग ए के उच्च पदस्थ सदस्य बारह जीन टैटलॉक एक मनोचिकित्सक कम्युनिस्ट पार्टी यूएसए के सदस्य और रॉबर्ट ओपेनहाइमर की रोमांटिक रुचि के रूप में फ्लोरेंस पुग तेरह अर्नेस्ट लॉरेंस के रूप में जोश हार्टनेट एक नोबेल विजेता परमाणु भौतिक विज्ञानी जिन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में ओपेनहायमर के साथ काम किया था चौदह पंद्रह केसी एफलेक बोरिस पाश के रूप में एक अमेरिकी सेना के सैन्य खुफिया अधिकारी और अलसोस मिशन के कमांडर सोलह डेविड एल हिल के रूप में रामी मालिक मेट लैब में एक परमाणु भौतिक विज्ञानी जिन्होंने शिकागो पाइल बनाने में मदद की तेरह नील्स बोहर के रूप में केनेथ ब्रानक नोबेल विजेता डेनिश भौतिक विज्ञानी दार्शनिक और ओपेनहाइमर के निजी आदर्श सत्रह एडवर्ड टेलर के रूप में बेनी सफी एक हंगरी के सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी जिन्हें हाइड्रोजन बम के जनक के रूप में जाना जाता है तेरह रोजर रॉब के रूप में जेसन क्लार्क एक वकील और भावी अमेरिकी सर्किट न्यायाधीश जिन्होंने ओपेनहाइमर की सुरक्षा सुनवाई में एसी के विशेष वकील के रूप में कार्य किया 18 फ्रैंक ओपेनहाइमर के रूप में डायलन अर्नोल्ड रॉबर्ट के छोटे भाई और एक कण भौतिक विज्ञानी जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम किया था उन्नीस अल्बर्ट आइंस्टीन के रूप में टॉम कोंटी नोबेल विजेता जर्मन सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी जो सापेक्षता के सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाने जाते हैं पैट्रिक ब्लैकेट के रूप में जेम्स डीआरसी ओपेन कॉलेज के प्रोफेसर और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में नोबेल विजेता भौतिक विज्ञानी इक्कीस जेसीए के एक वकील और कार्यकारी निदेशक विलियम एल बोर्डेन के रूप में डेविड डस्टमल्चियन मेजर जनरल केनेथ निकोल्स के रूप में डेन डेहान एक अमेरिकी सेना अधिकारी और मैनहट्टन परियोजना के उप जिला इंजीनियर तेईस संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य सचिव के लिए स्ट्रॉस के नामांकन के दौरान लुइस स्ट्रॉस के सीनेट सहयोगी के रूप में एल्डन एहरनेरिच चौबीस पच्चीस गॉर्डन ग्रे के रूप में टोनी गोल्डविन एक सरकारी अधिकारी और ओपेनहाइमर सुरक्षा मंजूरी को रद्द करने का निर्णय लेने वाली समिति के अध्यक्ष छब्बीस हाकोन शेविलियर होक के रूप में जेफरसन हॉल बर्कले के एक प्रोफेसर जो विश्वविद्यालय में ओपेनहाइमर के दोस्त बन गए सत्ताईस अट्ठाईस इसेडोर इसाक रबी के रूप में डेविड क्रूमहोल्ट्स एक नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर सलाहकार के रूप में काम किया चौबीस वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास कार्यालय के प्रमुख वन्नेवर बुश के रूप में मैथ्यू मोडाइन उनतीस लुईस स्ट्रॉस के वकील के रूप में स्कॉट ग्रिम्स तीस थॉमस ए मॉर्गन के रूप में कर्ट कोहलर एक उद्योगपति और स्पेरी कॉरपोरेशन के बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जो ओपेनहाइमर की सुरक्षा मंजूरी सुनवाई में पैनल के सदस्यों में से एक थे इकतीस बत्तीस वार्ड वी इवांस के रूप में जॉन गोवंस, एक रसायनज्ञ और शिक्षाविद जिन्होंने ओपेनहायमर की सुरक्षा मंजूरी सुनवाई में पैनल के सदस्यों में से एक के रूप में कार्य किया तैतीस लॉयर्ड के गैरिसन के रूप में मैकॉन ब्लेयर एक वकील जिसने सुरक्षा मंजूरी सुनवाई में ओपेनहाइमर का प्रतिनिधित्व करने में मदद की 34 सीनेट वाणिज्य समिति के अध्यक्ष सीनेटर वॉरेन मैगनसन के रूप में ग्रेगरी जबारा 34 सेन गेल डब्ल्यू मैकडी के रूप में हैरी ग्रोनर 34 सीनेटर जॉन पास्टर के रूप में टिम के 34 मैथियास श्वेघोफर वर्नर हाइजेनबर्ग के रूप में एक जर्मन नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देश के परमाणु हथियार कार्यक्रम में काम किया था पैंतीस छत्तीस लुइस वाल्टर अलवारेज के रूप में एलेक्स वोल्फ एक नोबेल विजेता भौतिक विज्ञानी जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम किया था सैंतीस के रूप में जोश करमैन एक भौतिक विज्ञानी जो बर्कले में ओपेनहाइमर का शिष्य बन गया अड़तीस हार्टलैंड स्नाइडर के रूप में रोरी कीन एक भौतिक विज्ञानी जिन्होंने धूलकण क्षेत्र के गुरुत्वाकर्षण पतन की गणना करने के लिए ओपेनहायमर के साथ सहयोग किया तैतीस रॉबर्ट सर्बर के रूप में माइकल अंगारानो एक भौतिक विज्ञानी जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम किया था चौदह जैकी ओपेनहाइमर फ्रैंक की पत्नी और रॉबर्ट की भाभी के रूप में एम्मा ड्यूमोट उनतालीस जॉर्ज सी एल्टेंटन के रूप में गाई बर्नेट अमेरिका में एक केमिकल इंजीनियर जिसका संबंध सोवियत संघ से है चालीस रुथ टोलमैन के रूप में लुइस लोम्बार्ड परमाणु बम के विकास के दौरान ओपेनहाइमर के करीबी एक मनोवैज्ञानिक इकतालीस रिचर्ड सी टॉलमन के रूप में टॉम जेनकिंस रूथ के पति और मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर जनरल ग्रोस के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार बयालीस एडवर्ड कोंडोन के रूप में ओली हास्किवी एक परमाणु भौतिक विज्ञानी जिन्होंने रडार के विकास में मदद की और कुछ समय के लिए मैनहट्टन परियोजना में भाग लिया उन्नीस डोनाल्ड हॉर्निक के रूप में डेविड रिस्डाहल एक रसायन जो लॉस अलामोस में फायरिंग यूनिट में काम करता था तैतालीस केनिथ बैनब्रिज के रूप में जोश पेक एक भौतिक विज्ञानी जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के ट्रिनिटी परमाणु परीक्षण के निदेशक थे चवालीस रिचर्ड फेनमैन के रूप में जैक्वेड एक अमेरिकी नोबेल विजेता सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी जिन्होंने लॉस एलामोस में सैद्धांतिक प्रभाग में काम किया था पैंतालीस हंस बेथे के रूप में गुस्ताफ स्कार्सगार्ड एक जर्मन अमेरिकी नोबेल विजेता सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और लॉस एलामोस में सैद्धांतिक प्रभाग के प्रमुख छियालीस कर्ट गोडेल के रूप में जेम्स अर्बानियाक एक ऑस्ट्रियाई तर्कशास्त्री और गणितज्ञ जो अपने प्रमेयों के लिए जाने जाते हैं जिन्होंने गणित में क्रांति लादी और दर्शन और कंप्यूटर विज्ञान के लिए दूरगामी प्रभाव डाले चौंतीस जॉर्ज किस्टिया के रूप में ट्रोनर्ड फॉसा एक हार्वर्ड प्रोफेसर जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में भाग लिया था सैतालीस सेठ नेडरमेयर के रूप में डेवोन बोसिक एक भौतिक विज्ञानी जिन्होंने म्यून की खोज की और ट्रिनिटी टेस्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले विस्फोट प्रकार के परमाणु हथियार की वकालत की अड़तालीस इंद्रिको फर्मी के रूप में डैनी डेफेरारी एक इतालवी नोबेल विजेता भौतिक विज्ञानी और शिकागो पाइल के निर्माता चालीस क्लाउस फुट्स के रूप में क्रिस्टोफर डेनहम एक जर्मन मूल के भौतिक विज्ञानी जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम किया और सोवियत संघ के लिए जासूसी की तीस चार्लोट सरबर के रूप में जेसिका एरिन मार्टिन लॉस एलामोस में प्रमुख तकनीकी लाइब्रेरियन उनचास जे अर्नेस्ट विल्किंस जूनियर के रूप में रोनाल्ड अगस्टे एक अफ्रीकी अमेरिकी परमाणु वैज्ञानिक मैकेनिकल इंजीनियर और गणितज्ञ जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर ओपेनहाइमर के साथ काम किया था उनचास माटे हाउमैन हु के रूप में एक हंगरी के भौतिक विज्ञानी जिन्होंने 1933 में परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया के विचार की कल्पना की थी और बाद में जुलाई 1945 में मैनहट्टन परियोजना की शिकागो शाखा में जापान पर परमाणु हथियारों के अघोषित उपयोग के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रूमैन को याचिका प्रसारित की पचास ओलिविया थर्लबी लिली हॉर्निक के रूप में एक चेक अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम किया था इक्यावन नोलन को एक युवा के रूप में ओपेनहाइमर के बारे में पता चला गीत मैं अपने छोटे लड़के को ओपेनहाइमर के घातक खिलौने से कैसे बचा सकता हूँ सुनने के बाद स्टिंग गीत रशियंस उन्नीस में उनहत्तर वह बचपन में परमाणु विनाश के अपने डर से भी प्रेरित थे क्योंकि वह परमाणु निरस्त्रीकरण अभियान सीएनडी और आरएफ़ ग्रीनहैन कॉमन में परमाणु विरोधी विरोध के युग के दौरान रहते थे उन्होंने महसूस किया कि जबकि उस परमाणु डर के साथ हमारा रिश्ता समय के साथ कम हो गया है और बह गया है खतरा वास्तव में कभी दूर नहीं हुआ और महसूस किया कि 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण ने परमाणु चिंता का पुनरुत्थान किया था सत्तावन नोलन ने मार्टिन स्कोरसे की द एविएटर 2004 के निर्माण के दौरान ही हॉवर्ड ह्यूजेस की बायोपिक के लिए एक पटकथा भी लिखी थी जिससे उन्हें किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में पटकथा लिखने की जानकारी मिली थी छप्पन एमिली ब्लंट ने ओपेनहाइमर स्क्रिप्ट को भावनात्मक और एक थ्रिलर से मिलती जुलती बताया साथ ही यह भी टिप्पणी की कि नोलन ने ट्रोजन हॉर्स को एक थ्रिलर में बदल दिया था सत्तर लेखक निर्देशक और निर्माता क्रिस्टोफर नोलन बाएं और सह निर्माता एम्मा थॉमस और चार्ल्स ओवें सितंबर 2021 तक रोवेन और नोलन दोनों ने स्क्रिप्ट पर चर्चा करने के लिए बर्ड और शेरविन से संपर्क करना शुरू कर दिया था नोलन के साथ बर्ड की पहली मुलाक़ात के दौरान जब उन्होंने स्क्रिप्ट की सामग्री पर चर्चा की तो उन्होंने पहले ही एक विशिष्ट स्क्रिप्ट लिखी थी हालांकि नोलन ने अभी तक उन्हें स्क्रिप्ट का खुलासा नहीं किया था इकहत्तर ओपेनहायमर नोलन द्वारा प्रथम पुरुष में लिखी गई पहली पटकथा है क्योंकि वह चाहते थे कि कथा को ओपेनहायमर के दृष्टिकोण से व्यक्त किया जाए उन्होंने इसे एक सावधान करने वाली कहानी ब नाने के इरादे से फिल्म की बनावट का वर्णन कैसे ऐतिहासिक और भू राजनीतिक के साथ व्यक्तिगत बातचीत के रूप में किया छप्पन बहत्तर तिहत्तर टेनेट पूरा करने के बाद उन्होंने स्क्रिप्ट विकसित करना शुरू किया और कुछ ही महीनों में इसे लिख लिया वह 20 वर्षों से अधिक समय से ओपेनहाइमर के बारे में एक फिल्म बनाने के बारे में सोच रहे थे छप्पन कथानक का एक प्रमुख तत्व ओपेनहाइमर की उसके कार्यों के दीर्घकालिक परिणामों पर प्रतिक्रिया है नोलन विलंबित प्रतिक्रियाओं की घटना का पता लगाना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगा कि लोगों को इस समय उनके कार्यों के सबसे मजबूत या सबसे खराब तत्वों का सामना करना आवश्यक नहीं है उनहत्तर उन्होंने कहानी को क्रमशः व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ दोनों दृष्टिकोणों से व्यक्त करने के लिए रंगीन और काले और सफेद दृश्यों के बीच वैकल्पिक रूप से चयन किया चौहत्तर जिसमें ओपेनहाइमर के अधिकांश दृश्य पूर्व के माध्यम से दिखाए गए थे जब बाद में दर्शाया गया एक अलग चरित्र के दृष्टिकोण से उनकी कहानी का अधिक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण पचहत्तर उनहत्तर फिल्म को यथासंभव व्यक्तिपरक बनाने की चाहत में प्रोडक्शन टीम ने क्वांटम दुनिया और ऊर्जा की तरंगों के बारे में ओपेनहाइमर की अवधारणाओं को शामिल करने का निर्णय लिया नोलन ने कहा कि हालांकि ओपेनहायमर ने हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम विस्फोटों में अपनी भूमिका के लिए कभी भी सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी फिर भी उनका मानना था कि ओपेनहायमर ने अपने कार्यों के लिए वास्तविक अपराध बोध महसूस किया था और इस तरह उन्हें उन भावनाओं को प्रदर्शित करने के रूप में चित्रित किया मुझे लगता है कि अब तक मैंने जितने भी किरदारों से निपटा है ओपेनहाइमर उनमें से सबसे अस्पष्ट और विरोधाभासी है यह देखते हुए कि मैंने तीन बैटमैन फिल्में बनाई हैं बहुत कुछ कहती है क्रिस्टोफर नोलन टोटल फिल्म सत्तर नोलन ने क्वांटम क्षेत्र ऊर्जा के कंपन और ओपेनहाइमर की अपनी निजी यात्रा को जोड़ने वाले धागे को खोजने की कोशिश से शुरुआत की और उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को चित्रित करने की कोशिश की खासकर उनके यौन जीवन के संबंध में सत्तावन इस प्रकार नोलन जीन टैटलॉक के साथ अपने संबंध को स्पष्ट रूप से चित्रित करना चाहते थे वह ओपेनहाइमर के जीवन पर टैटलॉक के प्रभाव का भी पता लगाना चाहते थे क्योंकि वह एक कम्युनिस्ट थी जिसका ओपेनहाइमर के बाद के जीवन और उनके अंतिम भाग्य पर भारी प्रभाव पड़ा अठहत्तर नोलन ने ओपेनहायमर और अमेरिकी परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष एडमिरल लुइस स्ट्रॉस के बीच संबंधों का पता लगाने की भी कोशिश की जो बोल्फगैन एमेडियस मोजार्ट और एंटोनियो सालियेरी के बीच संबंधों से प्रेरित थे जैसा कि एमेडियस उन्नीस में दर्शाया गया है उनहत्तर फिल्म का एक और महत्वपूर्ण क्षण वह बैठक थी जिसमें राष्ट्रपति हैरी एस. ट्रूमैन ने ओपेनहाइमर को क्रायबाबी कहा था नोलन इस दृश्य को ओपेनहाइमर के दृष्टिकोण से व्यक्त करना चाहते थे और उन्होंने महसूस किया कि यह मोहभंग का एक बड़ा क्षण था ओपेनहाइमर के लिए वह जिस चीज़ में शामिल थे उसके परिणामों से निपटने की कोशिश में उनके दृष्टिकोण में एक बड़ा मोर था जबकि यह भी इस बात पर जोर देते हुए कि यह ओपेनहाइमर की धारणा की वास्तविकता के बारे में धारणा में एक बड़ा बदलाव है छप्पन वह हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम विस्फोटों के बाद एक त्वरित तोनल बदलाव को अंजाम देना चाहते थे स्क्रीन समय की सबसे कम मात्रा में उच्चतम विजीवाद उच्चतम ऊंचाई से सबसे कम निम्न तक जाने की इच्छा रखते थे तिहत्तर अंत के लिए नोलन ने व्याख्या के लिए इसे जानबूझकर अस्पष्ट बनाने का विकल्प चुना और अपने काम में उपदेशात्मक होने या विशिष्ट संदेश देने से परहेज़ किया हालांकि उनका इरादा अंत में परेशान करने वाली प्रतिध्वनि का एक मज़बूत सेट प्रस्तुत करने का था सतहत्तर ढलाई ओपेनहायमर नोलन और मर्फी के बीच छठा सहयोग है और मर्फी की मुख्य भूमिका वाली पहली फिल्म है भूमिका की तैयारी के लिए मर्फी ने ओपेनहायमर के जीवन के बारे में विस्तार से पढ़ा और 1970 के दशक में डेविड बॉबी की उपस्थिति से प्रेरित हुए उनासी दस उनहत्तर नोलन ने एक दिन मर्फी को फोन करके यह भूमिका निभाने के लिए कहा और मर्फी ने उत्साहपूर्वक इसे स्वीकार कर लिया और नोलन की फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए उत्साहित थे इसके बाद नोलन मर्फी से मिलने के लिए डबलिन गए जिन्होंने नोलन के होटल के कमरे में स्क्रिप्ट पढ़ी अस्सी इस भूमिका के लिए मर्फी ने अज्ञात मात्रा में वजन कम किया ताकि वह वास्तविक जीवन के ओपेनहाइमर की दुबली पतली उपस्थिति से बेहतर ढंग से मेल खा सके इक्यासी नोलन ने मर्फी और नोबेल पुरस्कार विजेता किप थॉर्न के बीच एक फोन कॉल भी स्थापित की जिन्होंने पहले नोलन के साथ इंटरस्टेलर 2014 में काम किया था छप्पन एक स्नातक छात्र के रूप में थॉर्न ने ओपेनहाइमर के कुछ सेमिनारों में भाग लिया था और कठिन वैज्ञानिक अवधारणाओं की समूह चर्चा को सुविधाजनक बनाने के लिए ओपेनहाइमर के उपहार के साथ मर्फी को अपने अनुभव के बारे में बताया था छप्पन कास्टिंग प्रक्रिया इतनी गुप्त थी कि कुछ कलाकारों को यह पता नहीं था कि वे कौन सी भूमिका निभाएंगे जब तक कि उन्होंने साइन नहीं कर लिया सैंतीस रॉबर्ट डाउनी जूनियर मैट डेमन और एमिली ब्लंट ने फिल्म में काम करने के लिए वेतन में कटौती की प्रत्येक ने अपने सामान्य 10 डॉलर 20 मिलियन अग्रिम वेतन के बदले 4 मिलियन डॉलर कमाए बयासी डाउनी स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए नोलन के घर गए जो लाल कागज़ पर काले रंग में छपी थी तिरासी डाउनी ने बाद में ओपेनहाइमर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में वर्णित किया जिसमें वह आज तक दिखाई दिए हैं चौरासी ब्लंट की मुलाकात नोलन से लॉस एंजल्स में हुई और जब उन्हें कैथरीन किट्टी ओपेनहायमर की भूमिका की पेशकश की गई तो उन्होंने उत्साहपूर्वक इसे स्वीकार कर लिया नोलन के साथ काम करना कैसा होगा यह जानने के लिए उसने मर्फी से भी संपर्क किया तिरासी लेस्ली ग्रोस की भूमिका निभाने के लिए कहा गया डेमन जो नोलन के इंटरस्टेलर में दिखाई दिए थे कपल्स थेरेपी में अपनी पत्नी के साथ बातचीत के परिणामस्वरूप अभिनय से ब्रेक ले रहे थे लेकिन उन्होंने ओपेनहाइमर पर हस्ताक्षर किए क्योंकि उन्होंने एक अपवाद आरक्ष रखा था यदि नोलन ने उन्हें किसी फिल्म में भूमिका की पेशकश की पचासी निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन से लिकोरिस पिज्जा 2021 में सफ़ी को निर्देशित करने के उनके अनुभव के बारे में पूछने के बाद नोलन ने लेखक निर्देशक बेनी सफ़ी को भौतिक विज्ञानी एडवर्ड टेलर के रूप में चुना छियासी सफ़ी ने हाई स्कूल के दौरान कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक परमाणु भौतिक विज्ञानी के साथ काम किया था उनहत्तर इंसोमनिया 2002 के बाद यह नोलन की पहली फिल्म है जिसमें माइकल केन नहीं है सत्तासी फिल्माने फिल्मांकन मई 2022 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में हुआ प्री प्रोडक्शन जनवरी 2022 तक न्यू मैक्सिको में शुरू हो गया था जहां स्थानीय निवासियों कर्मियों और वैज्ञानिकों की भूमिका निभाने के लिए लोगों के ऑडिशन के लिए सांताफ़े और लॉस अलामोस में दो दिवसीय कास्टिंग कॉल हुई थी अट्ठासी नवासी एक और कास्टिंग कॉल फरवरी में आयोजित की गई थी नब्बे मुख्य फोटोग्राफी 28 फरवरी 2022 को न्यू मैक्सिको के घोस्ट रेंच में शुरू हुई इक्यानवे और सत्तावन दिनों तक चली जिसमें होल्टे वैन होल्टेमा ने छायाकार के रूप में काम किया इक्यासी चौबीस मूल शूटिंग स्केड्यूल में फ़िल्मांकन के लिए लगभग पचासी दिन अलग रखे गए थे बानवे हालांकि प्री प्रोडक्शन के दौरान यह स्पष्ट हो गया था कि पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में इतने दिनों में प्रमुख फोटोग्राफी 100 मिलियन डॉलर के भीतर पूरी नहीं की जा सकती थी बानवे कैलिफोर्निया और न्यू में स्थान शूटिंग के लिए बजट का कुशलतापूर्वक उपयोग करने और न्यू मैक्सिको में उच्च गुणवत्ता वाले ऐतिहासिक रूप से सटीक सेट का निर्माण करने के लिए नोलन ने शूटिंग स्केड्यूल को पचासी से घटाकर सत्तावन दिन कर दिया बानवे तिरानवे मर्फी जो लगभग हर दृश्य में दिखाई देते हैं ने गति को पागल बताया बानवे डेरी ओल्डमैन ने कहा कि वह मई में एक दृश्य डेढ़ पेज के लिए एक दिन के लिए सेट पर रहेंगे बावन निक्सन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी में ओवल ऑफिस के स्थान के लिए मूल विकल्प फ़िल्मांकन से एक सप्ताह पहले गिर गया था और चूंकि ओल्डमैन की तारीखें तय नहीं थीं इसलिए प्रोडक्शन डिज़ाइन टीम ने वीप से ओवल ऑफ़िस सेट का निवारण किया जो रूथ डी जोंग के अनुसार गिर गया था दुःस्वप्न अव्यवस्था चौरानवे नोलन ने अपने सबसे बड़े बच्चे अपनी बेटी फ्लोरा को एक दृश्य में फिल्माया जिसमें उसने एक परमाणु विस्फोट में विघटित एक युवा महिला की भूमिका निभाई यह फिल्म में ओपेनहाइमर के दृष्टिकोण में से एक के रूप में दिखाई देता है जिसमें नोलन ने यह दिखाने का इरादा किया था कि यदि आप परम विनाशकारी शक्ति बनाते हैं तो यह उन लोगों को भी नष्ट कर देगी जो आपके निकट और प्रिय हैं सत्तावन फिल्म में आईमैक्स पैंसठ मिमी और पैंसठ मिमी बड़े प्रारूप वाली फिल्म के संयोजन का उपयोग किया गया दस यह आईमैक्स ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफिक फिल्म पर अनुभाग शूट करने वाली पहली फ़िल्म भी है जिसे कोडक ने बनाया और फोटोकेम ने विशेष रूप से फिल्म के लिए विकसित किया पचानवे छियानवे वैन होल्टेमा ने आईमैक्स एम के आई वी या आईमैक्स एमएसएम नौ हजार आठ सौ दो कैमरों पर फिल्मांकन करते समय पचास मिमी और अस्सी मिमी हैसल ब्लैड लेंस का उपयोग किया जबकि पैनाविजन पैनाफ्लिक्स सिस्टम पैंसठ स्टूडियो कैमरों पर फिल्माए गए दृश्य पैनाविजन स्फेरो पैंसठ और पैनाविजन्स स्टम पैंसठ लेंस का उपयोग करके शूट किए गए थे सत्तानवे इसके अतिरिक्त प्रोडक्शन में पैनाविजन ने एक कस्टम जांच लेंस का निर्माण किया था ताकि फिल्म निर्माताओं को लघु प्रभावों को रिकॉर्ड करने के लिए मैक्रो फोटोग्राफी और माइक्रोफोटोग्राफी के लिए आईमैक्स कैमरों का उपयोग करने की अनुमति मिल सके उन्नीस अप्रैल के दूसरे सप्ताह में प्रिंसटन न्यू जर्जी में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी में स्थान पर फिल्मांकन हुआ निन्यानवे फिल्मांकन कैलिफोर्निया में भी हुआ इक्यावन मुख्य रूप से कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के परिसर के आसपास 100 बर्कले शहर में स्थापित दृश्यों को पासाडेना में फिल्माया गया था 101 2021 की शोध यात्रा के दौरान नोलन ने पाया कि लॉस एलामोस 1940 के दशक की तुलना में काफी हद तक बदल गया है और इसका उपयोग शहर के बाहरी दृश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है उदाहरण के लिए शहर की मुख्य सड़क के समकक्ष एक स्टारबक्स है इक्यानवे इसके बजाय प्रोडक्शन टीम ने घोस्ट रेंज के समान पठार के शीर्ष पर 1940 के दशक के लॉस एलामोस का एक संस्करण बनाया इक्यानवे सेट को बनाने में तीन महीने लगे जिसका उपयोग केवल छह शूटिंग दिनों के लिए किया गया इक्यानवे सामान्य योजना घोष्ट रेंज के सेट पर केवल बाहरी दृश्यों को शूट करंग एक ही थी फिर लॉस अलामोस के वास्तविक शहर में विभिन्न ऐतिहासिक इमारतों के अंदर के स्थान पर आंतरिक दृश्यों को शूट करने की थी 101 लॉस अलामोस में आंतरिक शूटिंग 8 मार्च 2022 को शुरू हुई इक्यानवे फ़िल्म के कई दृश्य अकादमिक व्याख्यान कक्ष में होते हैं समय और पैसा बचाने के लिए प्रोडक्शन टीम ने उन हॉलों को घोस्ट रेंज के सेट के रूप में पुनर्निर्माण करने का प्रयास न करने का फैसला किया और उन्हें लॉस एलामोस में एक ऐतिहासिक महिला सेना कोर छात्रावास के अंदर शूट किया इक्यानवे लॉस अलामोस में ओपेनहाइमर के मूल के भी न में भी दृश्य फिल्माए गए थे जिसे बहाल कर दिया गया था काई बर्ड ने सेट का दौरा किया और मर्फी के प्रदर्शन से प्रभावित हुए 102 न्यूयॉर्क के होटल के दृश्यों को अल्बुकर्क के पुराने डाकघर भवन में फिल्माया गया था जबकि वाशिंगटन, डीसी के दृश्यों को राज्य की राजधानी सांताफे में राज्य सरकार की इमारतों में फिल्माया गया था 101 सौ फिल्मांकन में ट्रिनिटी परमाणु परीक्षण को फिर से बनाने के लिए कंप्यूटर जनित ग्राफिक्स के उपयोग को छोड़कर वास्तविक विस्फोटकों का उपयोग शामिल था 103 जब यह खबर पहली बार ऑनलाइन आई तो कई प्रशंसकों नोलन की कैमरे के अंदर व्यावहारिक प्रभावों के लिए प्रसिद्ध प्राथमिकता के बारे में पता था ने सोचा कि इसका मतलब है कि उसने एक वास्तविक परमाणु बम विस्फोट किया है दो नोलन ने बाद में टिप्पणी की कि यह चापलूसी और डरावना दोनों था कि उनके प्रशंसक उनके बारे में ऐसा सोचेंगे दो प्रोडक्शन टीम व्हाइट सेंस मिसाइल रेंज में फिल्म बनाने के लिए सरकारी अनुमति प्राप्त करने में सक्षम थी लेकिन केवल अत्यधिक असुविधाजनक घंटों में और इसलिए इस दृश्य को न्यू मैक्सिको रेगिस्तान में कहीं और फिल्माने का विकल्प चुना दो एक सौ एक प्रोडक्शन ने बेलेन न्यू मैक्सिको में ट्रिनिटी परीक्षण दृश्यों को फिल्माया जिसमें मर्फी ख़राब मौसम में एक फ़ुट ऊंचे स्टील टॉवर पर चढ़ गया जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की गई मूल साइट की प्रतिकृति थी दो एक सौ एक एक विशेष सेट बनाया गया था जिसमें विस्फोटक प्रभाव पैदा करने के लिए गैसोलीन, प्रोपेन एल्यूमिनियम पाउडर और मैग्नीशियम का उपयोग किया गया था सत्तावन हालांकि उन्होंने व्यावहारिक प्रभाव के लिए लघुचित्रों का उपयोग किया विशेष प्रभाव पर्यवेक्षक स्कॉट आर फ़िशर ने उन्हें बड़े अचर के रूप में संदर्भित किया क्योंकि विशेष प्रभाव टीम ने मॉडलों को यथासंभव भौतिक रूप से बड़ा बनाने की कोशिश की थी मॉडलों को उनके इच्छित वास्तविक आकार के करीब दिखाने के लिए टीम ने मज़बूर परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया 104 104-105 परमाणु परमाणुओं अणुओं और ऊर्जा तरंगों के बीच परस्पर क्रिया के दृश्य साथ ही तारों ब्लैक होल और सुपरनोवा का चित्रण भी व्यावहारिक तरीकों से हासिल किया गया था नोलन ने दावा किया कि फिल्म में कोई कंप्यूटर जनित प्रभाव नहीं है 106 और वास्तविक दुनिया की कल पना प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक प्रभावों का उपयोग किया गया है 107 सौ सात फिल्मांकन मई 2022 में पूरा होगा एक सौ डाक उत्पादन संपादन जेनिफर लेन द्वारा पूरा किया गया जिन्होंने पहले टेनेट का संपादन किया था दस संपादन के दौरान फुटेज का निरीक्षण करते समय नोलन और लेन ने यह सुनिश्चित करने के लिए कैरेक्टर पास का प्रदर्शन किया कि सभी पात्रों को स्क्रीन पर ठीक से प्रदर्शित किया जाए क्योंकि फिल्म की गति अधिकांश पारंपरिक ब्लॉकबस्टर की तुलना में तेज थी उनहत्तर दृश्य प्रभावों को डीएनएजी द्वारा नियंत्रित किया गया जिसने 400 से अधिक व्यावहारिक रूप से शूट किए गए तत्वों से 100 से अधिक वी एफ का उत्पादन किया 109 सौ नौ जोनो लन के साथ उनके आठवें सहयोग को चिन्हित करता है एंड्रयू जैक्सन दृश्य प्रभाव पर्यवेक्षक थे एक सौ दस जिन्होंने कहा कि फिल्म में सेट पर बनाए गए इन कैमरा विशेष प्रभावों के माध्यम से ज्यादातर अदृश्य दृश्य प्रभावों का उपयोग किया गया था 111 सौ विस्फोट में बहुपरतें जोड़ने के लिए ट्रिनिटी दृश्य के लिए डिजिटल कंपोजिटिंग का उपयोग किया गया था जिसे एक बहुआयामी दृष्टिकोण में शूट किया गया था 112 सौ स्टीवन स्पीलबर्ग इसके पहले सत्तर मिमी प्रिंट की एक निजी स्क्रीनिंग में अंतिम कट देखने वाले पहले व्यक्ति थे नोलन ने कहा उन्होंने कुछ बहुत दयालु बातें कही लेकिन वास्तव में सिर्फ उन्हें देखते हुए देखने के लिए मुझे उनके साथ इसे देखना भी नहीं चाहिए था लेकिन महान गुरु को देखते हुए देखना यह एक तरह से अनूठा था एक सौ तेरह एक सौ चौदह संगीत मुख्य लेख ओपेनहायमर साउंड ट्रैक लुडविक गोरानसन ने सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए अकादमी पुरस्कार जीता यह फिल्म उसी दिन रिलीज हुई थी जिस दिन बारबी रिलीज हुई थी जो ग्रेटा गेरविक द्वारा निर्देशित एक फंतासी कॉमेडी फिल्म थी जो मेटल की बारबी फ़ैशन डॉल्स और मीडिया फ़्रेंचाइज पर आधारित थी और वार्नर ब्रदर्स द्वारा वितरित की गई थी कई लोगों ने अनुमान लगाया कि बारबी को रिलीज करने का फैसला वार्नर ब्रदर्स का है उसी दिन जब नोलन द्वारा यूनिवर्सल के साथ फिल्म रिलीज करने के प्रतिशोध के रूप में ओपेनहाइमर की टिकट बिक्री को कम करने के लिए ओपेनहाइमर बनाया गया था एक दोनों फिल्मों के बीच टोन और शैली की असंग के कारण कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने इस बारे में मीम्स बनाए कि कैसे दोनों फिल्मों ने अलग अलग दर्शकों को आकर्षित किया 130 और उन्हें दोहरी विशेषता के रूप में कैसे देखा जाना चाहिए 131 इस प्रवृत्ति को बारबेनहाइमर करार दिया गया था 132 और इसे मनोरंजन उद्योग मंदी की गर्मियों के दौरान काउंटर प्रोग्रामिंग के रूप में लेबल किया गया था 133 सिलियन मर्फी ने इस घटना का समर्थन करते हुए कहा था मेरी सलाह है कि लोग दोनों को एक ही दिन देखने जाएं। यदि वे अच्छी फिल्में हैं तो यह सिनेमा का लाभ है एक मार्च 2022 में यूनिवर्सल पिक्चर्स ने रूस में अपने शीर्षकों की रिलीज रोक दी फ़रवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद देश के बहिष्कार में अन्य प्रमुख अमेरिकी फ़िल्म वितरकों में शामिल हो गए 135 रूस के संस्कृति मंत्रालय ने भी ओपेनहायमर पर प्रतिबंध लगा दिया था जिसने यह कहते हुए फ़िल्म की स्क्रीनिंग का लाइसेंस देने से इनकार कर दिया था कि यह पारंपरिक रूसी आध्यात्मिक मूल्यों को संरक्षित और मज़बूत करने के उनके लक्ष्यों को पूरा नहीं करती है एक यह फिल्म अपनी आरंभिक वैश्विक रिलीज के बाद कई महीनों तक जापान में रिलीज नहीं हुई वैरायटी ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी के कारण जापान में विवादास्पद प्रतिष्ठा का उल्लेख किया यूनिवर्सल के एक प्रवक्ता ने कहा कि सभी बाज़ारों में योजनाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया है अमेरिकी फ़िल्में अक्सर प्रारंभिक नाटकीय रिलीज़ के कुछ महीनों बाद जापान में रिलीज़ की जाती हैं एक दिसंबर 2023 में स्वतंत्र जापानी फिल्म वितरक बिटर्स एंड ने घोषणा की कि वह 2024 तक फिल्म को नाटकीय रूप से रिलीज करेगा क्योंकि जापान के प्राथमिक फिल्म वितरक तोहो टोवा ने इसे रिलीज नहीं करने का विकल्प चुना एक सौ अड़तीस एक सौ उनतालीस चौबीस जनवरी दो हज़ार चौबीस को बिटर्स एंड ने पुष्टि की कि फिल्म उनतीस मार्च को जापान में रिलीज होने वाली है एक सौ चालीस वर्गीकरण और सेंसरशिप संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म को मोशन पिक्चर एसोसिएशन से कुछ कामुकता नग्नता और भाषा के लिए आर रेटिंग प्राप्त हुई इंसोमिया 2002 के बाद यह रेटिंग प्राप्त करने वाली यह नोलन की पहली फिल्म है 141 ऑस्ट्रेलिया में फिल्म को मजबूत सेक्स और एक आत्महत्या दृश्य के लिए ऑस्ट्रेलियाई वर्गीकरण बोर्ड बोर्ड से एमए पंद्रह प्लस रेटिंग प्राप्त हुई 142 यूनाइटेड किंगडम में फिल्म को ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन से मजबूत भाषा और सेक्स के लिए 15 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ जिसका अर्थ है कि पंद्रह वर्ष से कर उम्र के किसी भी व्यक्ति को फिल्म देखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है एक मध्य पूर्व दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया सहित कुछ देशों में यूनिवर्सल ने फिल्म का एक संस्करण वितरित किया जिसमें फ्लोरेंस पुग का नग्न शरीर कंप्यूटर जनित काली पोशाक से ढका हुआ था एक सौ चवालीस एक सौ पैंतालीस एक सौ छियालीस भारत में ओपेनहाइमर को नगनता सेक्स और सिगरेट पीने वाले सभी दृश्यों को सेंसर करने के साथ रिलीज किया गया था और रनिंग टाइम को बरकरार रखते हुए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी से यू बटा ए प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था एक उस दृश्य का ऑडियो जिसमें टैटलॉक ओपेनहाइमर को हिंदू धर्मग्रंथ गीता का एक श्लोक पढ़ने का निर्देश देता है मैं मृत्यु बन गया हूँ दुनिया का विनाशक बरकरार रहा 148 जैसा कि एनडीटीवी ने बताया सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाया कि सीबीएफसी ने पहली बार मैं ऐसी परिस्थिति के दौरान सुनी गई कविता के साथ फिल्म को कैसे प्रमाणित किया और दृश्य को हटाने के लिए कहा एक हिंदू राष्ट्रवादी इस दृश्य से नाराज थे और उन्होंने इसे हटाने की मांग की एक सौ पचास उनमें पत्रकार उदय माहुरकर भी शामिल थे जिन्होंने नोलन को एक खुला पत्र लिखकर इस दृश्य को एक अरब सहिष्णु हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं पर सीधा हमला बताया और दुनिया भर में ओपेनहाइमर की सभी रिलीज से इसे हटाने की मांग की 148 दूसरी ओर अभिनेता नीतीश भारद्वाज ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि फ़िल्म में इस कविता का उपयोग ओपेनहाइमर की भावनात्मक मनस्थिति से भी समझा जाना चाहिए एक वैज्ञानिक अपनी रचना के बारे में चौबीस एक्स सात एक्स तीन सौ पैंसठ दिन सोचता है चाहे वह कुछ भी होकर रहा है उसके दिमाग का स्थान उसकी रचना से पूरी तरह से भस्म हो जाता है और शारीरिक कार्य सिर्फ एक प्राकृतिक यांत्रिक कार्य है एक सौ इक्यावन होम मीडिया ओपेनहाइमर को 21 नवंबर 2023 को अल्ट्रा एच डी ब्लूरे डिजिटल सहित नियमित ब्लूरे और डीवीडी प्रारूपों पर रिलीज किया गया था एक सौ बावन चूंकि पिछली दो रिलीज रिलीज के कुछ ही दिनों बाद बिक गईं यूनिवर्सल ने छुट्टियों के मौसम से पहले फिर से स्टॉक करने पर काम किया एक सौ तिरपन नोलन ने भौतिक मीडिया लाइब्रेरी के महत्व के बारे में फिल्म के होम रिलीज अभियान के दौरान मुखर होकर कहा था कि फिल्मों को केवल डिजिटल रूप से या स्ट्रीमिंग सेवाओं पर मौजूद रहने से कंपनियों को बहुत अधिक नियंत्रण मिलता है और फिल्म संरक्षण के लिए ये खतरा पैदा होता है एक सौ चौवन एक सौ पचपन यह फिल्म अमेरिका में विशेष रूप से पीकॉक पर और कनाडा में अमेजन प्राइम वीडियो पर 16 फरवरी 2024 को स्ट्रीमिंग के लिए रिलीज हुई एक सौ छप्पन एक सौ सत्तावन इसके अलावा यह 21 मार्च से भारत में जियो सिनेमाज पर स्ट्रीमिंग शुरू करेगी 2024 हजार एक सौ अट्ठावन स्वागत बॉक्स ऑफिस 17 मार्च 2024 तक ओपेनहाइमर ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में तीन मिलियन डॉलर और अन्य क्षेत्रों में छह मिलियन डॉलर दुनिया भर में कुल नौ मिलियन डॉलर की कमाई की है तीन चार यह जोकर 2019 के बाद अब तक की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली आर रेटेड फ़िल्म है एक सौ उनसठ एक सौ साठ सितंबर दो हज़ार तेईस में ओपेनहाइमर बोहेमियन रैप्सोडी 2018 को पीछे छोड़ते हुए अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली जीवनी फिल्म बन गई एक सौ इकसठ एक सौ बासठ अगस्त 2023 तक ओपेनहाइमर घरेलू बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान तक नहीं पहुंचने वाली अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी हालांकि अपने छठे सप्ताहांत में इसने 38 12 मिलियन डॉलर की कुल कमाई के साथ दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया और पहली बार बारबी को पीछे छोड़ दिया एक यह द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित सबसे अधिक कमाई करने वाली फ़िल्म भी है जिसने डनकर्क 2017 को भी पीछे छोड़ दिया है जो नोलन की फ़िल्म भी है एक सौ एक सौ पैंसठ इसके अलावा ओपेनहाइमर शीर्ष पांच सबसे ज्यादा कमाई करने वाली आईमैक्स रिलीज में से एक बन गई जिसने एक सौ तिरासी मिलियन डॉलर की कमाई की एक सौ छियासठ अपनी कुल कमाई का लगभग बीस परसेंट जिसमें से सत्रह मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई आईमैक्स दिखाने वा ये तीस स्क्रीनों से हुई सत्तर मिनी प्रिंट एक फिल्म को 3 नवंबर को आई मैक्स थिएटरों में दोबारा रिलीज करने के लिए बुक किया गया था जिसमें छह आई मैक्स सत्तर मिनी प्रिंट भी शामिल थे क्योंकि इन थिएटरों ने प्रारंभिक रिलीज के दौरान बिकने की सूचना दी थी एक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ओपेनहाइमर को बारबी के साथ रिलीज किया गया था एक जिसे बारबेनहाइमर के नाम से जाना जाने लगा उनकी रिलीज के सप्ताह में एमसी थिएटर्स ने घोषणा की कि चालीस हज़ार से अधिक एमसी स्टब्स सदस्यों ने एक ही दिन में दोनों फ़िल्मों के टिकट पहले से ही बुक कर लिए थे एक अपने पहले दिन 33 मिलियन डॉलर गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से 10.5 मिलियन डॉलर सहित की कमाई करने के बाद यह बयासी पांच मिलियन डॉलर तक पहुंच गई 170 सौ के बाद दूसरे स्थान पर रही और आर के लिए अब तक के सबसे अच्छे शुरुआती सप्ताहांतों में से एक रही रेटेड नाटक एक सौ इकहत्तर परसेंट दर्शक पुरुष थे जिनमें से 33% परसेंट अठारह चौंतीस वर्ष के थे बारबेनहाइमर घटना को फिल्म में रुचि बढ़ाने का श्रेय दिया गया सप्ताहांत में कुल उनासी परसेंट टिकट दो फिल्मों के लिए बेचे गए ओपेनहाइमर के लिए सत्ताईस परसेंट कुल मिलाकर अठारह पांच मिलियन लोग एक सौ शुरुआती सप्ताहांत किसी मूल फिल्म के लिए नोलन का सर्वश्रेष्ठ था जो द डार्क नाइट त्रई की बात की दो फिल्मों के अलावा उनकी फिल्मोग्राफी का उच्चतम स्तर था एक इसने द पैशन ऑफ द क्राइस्ट दो और अमेरिकन स्नाइपर 2014 के बाद किसी बायोपिक फिल्म के लिए तीसरा सबसे बड़ा शुरुआती सप्ताहांत हासिल किया एक ओपेनहाइमर ने अपने दूसरे सप्ताहांत में 46.2 मिलियन डॉलर कमाए 44% परसेंट की गिरावट बारबी के बाद दूसरे स्थान पर रही 175-176 फिल्म ने अपने तीसरे सप्ताहांत में 28.7 मिलियन डॉलर की कमाई की और बारबी और नवागंतुक मेक दो द ट्रेंच के बाद तीसरे स्थान पर रही 177 सौ अगस्त को ओपेनहाइमर ने सिंह 2016 को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक कमाई करने वाली फ़िल्म बन गई जो बॉक्स ऑफिस पर नंबर एक स्थान तक कभी नहीं पहुंची एक सौ अठहत्तर एक सौ उनासी अपने चौथे सप्ताहांत के दौरान फिल्म ने अठारह आठ मिलियन डॉलर पैंतीस परसेंट की गिरावट कमाए और वापस दूसरे स्थान पर पहुंच गई एक सौ अस्सी अपने पांचवें और छठे सप्ताहांत में फिल्म ने 10.7 मिलियन और 9 मिलियन डॉलर क्रमशः तैंतालीस परसेंट और 16% परसेंट की गिरावट की कमाई की बॉक्स ऑफिस पर तीसरे और चौथे स्थान पर रही और छठे सप्ताहांत में घरेलू स्तर पर 300 मिलियन डॉलर की कमाई की एक सौ अस्सी अपने तेरह ऑस्कर नामांकनों के बाद फिल्म रिलीज के 28वें सप्ताह में 1008 थिएटरों थियेटरों से बढ़कर दो थिएटरों थियेटरों तक पहुंच गई और एक मिलियन डॉलर की कमाई की जो पिछले सप्ताहांत से दो परसेंट की वृद्धि है एक सौ अन्य प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बाहर फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में अट्ठानवें मिलियन डॉलर की कमाई की एक तिरासी अगले सप्ताहांत में ओपेनहाइमर ने केवल 21% परसेंट की गिरावट के साथ 77.1 मिलियन डॉलर की कमाई की और भारत सऊदी अरब संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की सहित 30 देशों में नोलन की सबसे अधिक कमाई करने वाली फ़िल्म बन गई एक अपने तीसरे सप्ताहांत में ओपेनहाइमर ने बावन डॉलर आठ मिलियन इकतीस परसेंट की गिरावट एक सौ पचासी और चौथे सप्ताहांत में बत्तीस मिलियन डॉलर की कमाई की एक सौ छियासी फिल्म ने अगले सप्ताहों में भी अच्छा प्रदर्शन जारी रखा और अपने पांचवें और छठे सप्ताहांत में बत्तीस मिलियन डॉलर और उनतीस दशमलव एक मिलियन डॉलर की कमाई की एक सौ सत्तासी एक सौ अट्ठासी दस सितंबर दो हजार तेईस तक सबसे अधिक कमाई करने वाले क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम पचहत्तर मिलियन डॉलर चीन इकसठ दशमलव मिलियन डॉलर जर्मनी इक्यावन दशमलव नौ मिलियन डॉलर फ्रांस तैतालीस दशमलव एक मिलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया पच्चीस डॉलर नौ मिलियन थे एक सौ नवासी जापान में कई महीनों के विवाद के दौरान फिल्म में बम के वास्तविक प्रभावों को कम करके दिखाने की बात कही गई थी एक सौ नब्बे उनतीस मार्च दो हजार चौबीस को रिलीज होगी एक सौ इक्यानवे अहमियत भरा जवाब फिल्म को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली बीसी समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 501 आलोचकों की समीक्षाओं में से तिरानवे परसेंट सकारात्मक हैं जिनकी औसत रेटिंग आठ छह बटा दस है वेबसाइट की सर्वसम्मति में लिखा है ओपेनहाइमर क्रिस्टोफर नोलन की एक और मनोरंजक उपलब्धि है जो मर्फी के टोरडे फोर्स प्रदर्शन और आश्चर्यजनक दृश्यों से लाभान्वित होती है 206 मेटाक्रिटिक जो एक भारत औसत का उपयोग करता है ने उनहत्तर आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 90 का स्कोर दिया जो सार्वभौमिक प्रशंसा को दर्शाता है 207 सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ए प्लस से एफ पैमाने पर एका औसत ग्रेड दिया जबकि पोस्ट ट्रैक द्वारा सर्वेक्षण किए गए लोगों ने इसे तिरानवे परसेंट सकारात्मक स्कोर दिया साथ ही चौहत्तर परसेंट ने कहा कि वे निश्चित रूप से फिल्म की सिफारिश करेंगे एक इसे अक्सर नोलन की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक के रूप में स्थान दिया गया 208, 209, आठ दो, आथ, दो एक वे और 2023 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक 210 शिकागो सन टाइम्स के रिचर्ड रोपर ने ओपेनहाइमर को चार में से चार अंक दिए और इसे शानदार और 21वीं सदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक बताया 211 सौ एवी क्लब के मैथ्यू जैक्सन ने इसे एक उत्कृष्ट कृति माना और कहा कि यह क्रिस्टोफर नोलन की अब तक की सबसे अच्छी फिल्म है हमारे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक के लिए एक नए स्तर पर एक कदम और एक ऐसी फिल्म जो आपके दिमाग में खुद को जला देती है 212 सौ एम्पायर के डैन जोलिन ने मर्फ़ी के प्रदर्शन और वैन होटेमा की आईमैक्स सिनेमेटोग्राफी पर विशेष ध्यान देते हुए इसे उत्कृष्ट रूप से निर्मित चरित्र अध्ययन का नाम दिया 213 रीजन पत्रिका के लिए लिखते हुए पीटर सुडरमैन ने कहा कि फिल्म दर्शकों को परमाणु बम के मद्देनजर पूर्ण परमाणु संघर्ष की भयावहता के बारे में डर और पूर्वाभास की भावना से भर देती है मानवता महान और भयानक दोनों है ओपेनहाइमर है यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है यह एक चेतावनी है 214 सौ चौदह कॉम के लिए लिखने वाले मैट जोलर सेट्स ने ओपेनहाइमर को चार में से पूरे चार रेटिंग से सम्मानित किया उन्होंने नोलन की कहानी कहने ओपेनहाइमर के चरित्र की खोज और उसकी तकनीकी उपलब्धियों की सराहना करते हुए निष्कर्ष निकाला एक भौतिक अनुभव के रूप में ओपेनहाइमर पूरी तरह से कुछ और है यह कहना मुश्किल है कि वास्तव में क्या है और यही इसके बारे में इतना आकर्षक है 215 पीटर ट्रैवर्स ने फिल्म को स्मारकीय उपलब्धि और आप कहीं भी देखेंगे सबसे अच्छी फ़िल्मों में से एक बताया 216 बीबीसी कल्चर के कैरेंजर एम्स ने इसे साहसपूर्वक कल्पनाशील और नोलन का अब तक का सबसे परिपक्व काम कहा और कहा कि इसमें द दा डार्क नाइट ट्रायोलॉजी की विस्फोटक व्यावसायिक रूप से आकर्षक कार्रवाई को मेमेंटो के सेरेब्रल अंडरपिनिंग्स के साथ जोड़ा गया है आरंभ और सिद्धांत 217 सौ आईजीएन के आलोचक सिद्धांत अदलखा ने ओपेन हाइमर को 10 बटा 10 स्थान दिया और इसे तीन घंटे की बायोपिक जो एक झकझोर देने वाली थ्रिलर की तरह चलती है और नोलन का अब तक का सबसे अमूर्त काम बताया 218 सौ एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने फिल्म को पांच में से साढ़े चार रेटिंग दी और कहा ओपेनहाइमर अद्भुत प्रतिभा की एक सिनेमाई उपलब्धि दृश्य भव्यता तकनीकी स्वभाव भावनात्मक अंतरंगता और मानव प्रयास की सीमाओं की परीक्षा का एक उत्कृष्ट संयोजन प्राप्त करती है और महत्वाकांक्षा 219 अगस्त 2023 में इसे कोलाइडर की 2020 के अब तक की 20 सर्वश्रेष्ठ ड्रामा मूवीज़ की सूची में तीसरे स्थान पर रखा गया जिसमें लिखा गया कि नोलन उनके निर्माता के दृष्टिकोण से विनाशकारी परमाणु हथियारों के प्रति दुनिया के जुनून का ता लगाता है का उपयोग करते हुए दांते के ग्रीक मिथक इस प्रकार से एक प्रेरणा के रूप में ओपेनहायमर यह स्पष्ट करता है कि एक बार इस प्रकार की शक्ति प्रकट हो जाने के बाद इसका दोबारा उपयोग किया जाना तय है दो सौ फिल्म के विषयों और प्रदर्शनों की प्रशंसा करने के बावजूद सीएनएन के ब्रायन लॉरी का मानना था कि नोलन बहुत अधिक बाजीगरी करते हैं जो कुछ हद तक फिल्म के लिए हानिकारक है 221 221-222 यह प्रशंसा करते हुए कि कैसे फिल्म अमेरिकी वैज्ञानिकों और अमेरिकी उद्यम के योगदान को स्वीकार करती है ब्रेट मेसन ने शिकायत की कि यह गैर अमेरिकियों के महत्वपूर्ण योगदान को छोड़ देता है जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि काम दिसंबर 1941 में शुरू हो सके नोलन ने उस महत्वपूर्ण भूमिका को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जो ब्रिटी शज्ञान और ऑस्ट्रेलियाई भौतिक विज्ञानी मार्क ओलिफेंट ने खोज शुरू करने में निभाई थी दो लॉस एंजल्स टाइम्स के लिए, लिए लिखते हुए जस्टिन चांद ने नोलन के सटीक चित्रण का बचाव किया कि कैसे ओपेनहायमर अपने काम के सच्चे पीड़ितों को नहीं देख सका चांद ने लिखा है कि हिरोशिमा और नागासाकी की यात्रा करके प्रतिनिधित्ववादी पूर्णवादियों को संतुष्ट करने के बजाय नोलन उन्हें गहन अनुपस्थिति चुप्पी द्वारा अभियोग के रूप में मानते हैं एक सौ बानवे द न्यूयॉर्कर के मूवी लिस्टिंग एडिटर रिचर्ड ब्रॉडी के अनुसार जिन्ह उन्हें फिल्म को फैंसी एडिटिंग के साथ हिस्ट्री चैनल मूवी बताया मैं इसे मूवी लेंथ विकिपीडिया लेख कहने के लिए उत्सुक था लेकिन ऑनलाइन देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं विकिपीडिया को बहुत कम श्रेय दे रहा था या फिल्म के लेखक और निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन को बहुत अधिक 224 सौ वायर के वार्षिक आलोचकों के सर्वेक्षण के लिए जिसमें दुनिया भर के एक आलोचकों और पत्रकारों ने मतदान किया ओपेनहायमर को उनहत्तर समग्र उल्लेखों और 17 प्रथम स्थान वोटों के साथ उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म सूची में दूसरे स्थान पर रखा गया नोलन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की सूची में दूसरा स्थान दिया गया जबकि उनकी पटकथा को आठवां स्थान दिया गया मर्फी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सूची कुल मिलाकर चौथा में सर्वोच्च स्थान पाने वाले अभिनेता थे जबकि वान होटेमा का काम सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी सूची में शीर्ष पर था 225 दो दोस्तों ये जो मूवी है हमें दो हजार एक से 23 के अंदर देखने को मिली थी 11 जुलाई 2023 को इसे ले ग्रैंड रैक्स के अंदर रिलीज किया गया था और 11 के बाद किताब इसे 21 को एक तरह तो से वर्ल्ड वाइड रिलीज़ कर दिया गया था 21 जुलाई 2023 को यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड किंगडम और इंडिया में भी इसे इसी डेट पर रिलीज़ किया गया था मूवी की लेंथ एक मिनट टोटल थी यानी तकरीबन तीन घंटा प्लस और रेटिंग भी नाइन्टी परसेंट की थी हर एक प्लेटफॉर्म पर इसकी जो रेटिंग है नब्बे प्लस थी और इसका जो कलेक्शन मैं आपको बताऊँ तो बजट पहले जान लेते हैं सौ मिलियन का बजट टोटल मूवी का था मूवी ने लगभग एक चौसठ पॉइंट चार छः मिलियन का कलेक्शन दिया जो कि बहुत ही धासु कलेक्शन था और मेकर्स ने भी एक तरह से तगड़ा प्रॉफिट कमाया बाकी ये एक हिट मूवी है अब आप इसे जियो सिनेमा पर एक तरह से देख पाओगे यदि आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है बाकी आप जी और प्राइम वीडियो इन प्लेटफॉर्मों पर एक का रेंट देकर देख सकते हो और यूट्यूब पर आपको दो और यूट्यूब प्ले मूवीज़ पर भी दो का रेंट आप देकर इसे देख सकते हो तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेलाइकन दबाकर इससे ऐल पर सेट कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में